गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है पूजा भंडारी ब्लॉग में। आप कैसे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और मैं घर का पूरा काम कर चुकी हूँ, दिन का मैंने खाना भी बना लिया है। आज मैं थोड़ा मीशो हॉल करने वाली हूँ। मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी ली थी तो मैं उनका हॉल शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मुझे उम्मीद है आप सब लोग उस हॉल को जरूर पसंद करोगे। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था मैंने बालों की कटिंग पार्लर में कितने अच्छे से सेटिंग करे थे, और मेरे घर में मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ उन बालों को। चलो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं मीशो हॉल। मैं अपनी सारी ज्वेलरी ऐसे बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ज्वेलरी नहीं तो खराब हो जाती है। ऐसे रखने से ज्वेलरी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, और टूट भी गया है थोड़ा सा। तो बेसिकली ये सिल्वर ज्वेलरी हॉल है, सेट है, तो दिखाती हूँ मैं आपको एक-एक करके। सबसे पहले मैं इनकी फोटो में साइड में अटैच कर दूंगी, क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। जब मैं इनको शेयर करूंगी तो उस वीडियो में आपको ये ज्वेलरी दिख पाएंगी कि कैसी है। सबसे पहले ये वाला सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है। आप पास से देख लीजिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर सेट है, इसमें इतना सुंदर लुक आता है क्या बताऊ मैं आपको। बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये मैं इसे ऊपर नहीं पहनती हूँ, मैं इसे बस यहाँ तक पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है नीचे वाले ऐसे में मुझे पसंद नहीं है। ये देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ ऊपर पहनना पसंद है तो देखिए कैसा लग रहा है ये। मुझे नीचे ही पहनना पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो बताइए कैसा लग रहा है आप सबको, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये। और इसके साथ के कान के भी हैं, मैं इनको हटा देती हूँ। जो मैंने मार्केट से भी ज्वेलरी ली है उनके भी मैं रिव्यू शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो इनके कान के ये देखिए, बहुत ही प्यारी झुमकी है, बहुत सुंदर। इसका ये ऊपर चले गया है, दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा कि टूट गया होगा, सॉरी। कान में पहन के दिखाती हूँ, मेरे कान थोड़ा, ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप सबको। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छा लुक आता है इनमें। तो आप लोगों को ये वाला सेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं इनका क्योंकि मीशो पे लिंक नहीं होते, मैं इनका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूंगी। और दूसरा इतना प्यारा सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी, मुझे मीशो पे दिखा तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया। देखिए बहुत ही प्यारा सेट है। इस साड़ी में इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत ही प्यारे सा। और इसके इतने सुंदर, बहुत सुंदर कान के हैं। मेरे पे तो ज्यादा गोल वाले ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, मैं झुमकी ही ज्यादा पहनती हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। इसमें एक चीज और मिली थी, नथनी, आप पता नहीं हो कहाँ खो गई मेरे से। मैं इसकी फोटो भी साइड में अटैच कर लूंगी। मैंने इसको पहन के फोटो खींची थी तो मैं साइड में आपको मेंशन कर लूंगी। तो कैसा लग रहा है आप सबको, जब भी हम सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे सिल्वर ज्वेलरी, कॉटन की साड़ी और कुर्ते वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं, तो
मैं उनके साथ ऐसे सिल्वर कलर की चूड़ियां डालती हूँ। ये मीशो पे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैंने मार्केट से लिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लगा मेरा सिल्वर ज्वेलरी हॉल? अभी तो मैंने फिलहाल यही लिए हैं, अभी और भी मैंने सोचा है कि और भी लूंगी मैं अपने लिए बहुत प्यारे प्यारे से सेट। तो आप तो कैसा लगा आप सबको मीशो हॉल? बेसिकली ब्लॉग ही है ये, प्लीज अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। बहुत ही प्यारे सेट है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, इतना सुंदर लुक आता है इनमें। तो मैं अपने पुराने वाले पहन लेती हूँ, ये भी बहुत प्यारे हैं, ये मैंने मार्केट से लिए थे। जब मैं मार्केट हॉल करूँगी तो दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से लिए और कौन से मार्केट से लिए। जिन लोगों को पता नहीं है, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, बहुत ही सुंदर शहर है, कभी घूमने जरूर आना आप लोग और मेरे से भी मिलना। चलो अब आगे मिलते हैं आप सबको, मनन को लेने जाऊंगी तो तब मिलती हूँ आपके सबके साथ। चलो मनन को लेने चलते हैं स्कूल में, और मिलते हैं आपको स्कूल में, मिलेंगे। चलो अपने धंधों में चलते हैं मनन को। पापा की भी छुट्टी है और ये देखिए हमारा घर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा मीशो हॉल? और मनन जो स्कूल में फ़न करता है, आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।